आज सुनिए, लेकर आइए बाजार जैसा घर पर कैसे बनाएं मैंगो जूस जो कि सबको बहुत पसंद होता है। तो राम राम जी, नमस्ते। चलिए वीडियो तो शुरू। क्या तैयारी चल रही है आज की? तो अभी बनाते हैं हम मैंगो जूस हमारे भांजे जी के लिए। बैठे हैं, आराम से इंतजार कर रहे हैं मैंगो जूस के लिए। हाँ, मैंगो जूस बनाने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे एकदम साफ सुथरे बढ़िया बढ़िया आम, और एकदम पके ही होने चाहिए। जितना आम पका होगा उतना ही स्वादिष्ट हमारा आम का जूस बनके तैयार होगा, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। घर में नाते रिश्तेदार पधारे और आपके पास अगर आम है उस समय तो आप झटपट बना सकते हैं। कोई इसमें टाइम नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो हम सबसे पहले आम को कटिंग करेंगे अच्छे पानी में धोने के बाद में, और इसके अंदर जो भी जितना भी आम का जो पल्प है सबको हम बाहर निकाल लेंगे। जो आम का गूद है सबको निकाल लेंगे। ऐसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अगर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम होती है। वैसे तो आराम से निकल जाएगा, बहुत आसान तरीका है ये वाला। अगर ऐसे भी दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आम को छील सकते हैं इस तरीके से, जैसे सोनी अभी छील रही है। तो एकदम पतला पतला छिलका निकाल देंगे, और उसके बाद में आम का जो भी गूद है पल्प है वो पूरा हम उतार देंगे। गुठली, सिर्फ गुठली गुठली बचेगी, सबको निकाल लेंगे इस प्रकार से। और पका हुआ आम है तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, और इसका जो जूस बनेगा ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है। और दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हमने जितना भी मतलब आम का जो गूद निकाला था तो एक साथ तो नहीं बन पाएगा मिक्सी जार में, इसलिए आधा डाला है। और इसके अंदर एक कटोरी हमने चीनी डाली है और थोड़ा सा डाला है दूध, जिससे कि ये आराम से पिस जाए, यानी बारीक एकदम पतला हो जाए। तो अभी देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमारा जूस बन के तैयार हुआ है, और जो बाकी का हमारा आम का गूद बचा हुआ है उसको भी हम इसी प्रकार से बना के तैयार करते हैं। और उसके बाद में अपने हिसाब से उसके अंदर मतलब पानी नहीं डालना है, दूध ही डालना है। दूध डालोगे तो काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा, अगर पानी डालते हो आप तो फिर इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है। तो अभी एकदम गाढ़ा गाढ़ा बन चुका है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे दूध चाहिए तो हमने यहाँ पे दूध लिया है, और करीब जितने हमारे मेंबर हैं मतलब हमने 4 आम लिए थे, 4 आमों से हमारा करीब 2 लीटर जूस बनके तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 2 लीटर, जिसमें से हमारे नाते रिश्तेदार जो आए हैं सभी के लिए हो जाएगा, और घर में जो मेंबर हैं उनके लिए भी हो जाएगा 1-1 गिलास। और फिर आपको अगर थोड़ा सा गाढ़ा लगता है कि अगर इसमें थोड़ा सा और दूध डाल सकते हैं हम तो और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है और आपको थोड़ा खट्टापन चाहिए तो इसमें आप कैरी ले सकते हैं, जो कच्चा आम होता है ना तो वो ले सकते हैं एक, तो उसको भी इसके साथ में पीस लोगे ना तो फिर उसमें खट्टा मीठा स्वाद भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो अभी हमको थोड़ा सा गाढ़ा लगा जूस, तो हमने इसके अंदर जो और भी बाकी का जो दूध था हमने पूरा मिला दिया है। अब इसको अच्छे से फेंट देंगे, मिक्सी जार में भी चला सकते हैं, अगर आपके पास रई है तो रई चला लीजिए एकदम आराम तरीके से, और अच्छे से फेंट जाएगा। कलर का ऐसा है कि आपका आम एकदम पका हुआ है तो बढ़िया कलर आएगा, अगर आम थोड़ा सा कम पका है तो उसमें कलर का थोड़ा ऐसा लगता है फीका फीका सा, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला है हल्का सा। और आम के जूस को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-6 काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, इनको अच्छे से कटिंग कर दिया है। और अभी हमारा जूस भी तैयार हो चुका है, कितना प्यारा दिख रहा है। सभी को आम का जूस पिलाते हैं, और आप सभी झटपट घर पर बनाइए और पिलाइए, और फिर आप कमेंट करना कि आप सभी को और आपके परिवार को आम का जूस आपने जो बनाया है वो स्वाद में कैसा लगा। अगर आनंद आया तो फिर आप 1-2 रिश्तेदारों को हमारी वीडियो को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा सपोर्ट मिले। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हमारे गिलास यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन वाइट होता तो और बढ़िया दिखता, ये लाल कलर के गिलास। अभी हमने जूस को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और हम सभी को जूस को देते हैं।
और यहाँ पे ना सोनी ने बर्फ को बाद में डाला है क्योंकि हमारा जो दूध था ना एकदम ठंडा था, फ्रिज के अंदर रखा था। अगर आपके पास नॉर्मल दूध है तो आप जो आम का पल्प जो गूद निकला था ना मिक्सी जार में डाला, उसी के अंदर बर्फ डाल के चला दीजिए, वो भी काफ़ी मस्त बनता है। तो चलिए अभी सभी को आम का जूस पिलाते हैं और सभी का आशीर्वाद प्यार पाते हैं। आप सभी को आज का हमारा मैंगो जूस रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। अम्मा कैसा स्वाद है जूस का? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चला रहा।